डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास यू आर वेलकम इन द क्लास ऑफ ओ पी सनी सर आज मैं आपको मैथ्स आर एस अग्रवाल बुक से चैप्टर वन से क्वेश्चन नंबर फोर से आगे कराऊंगा क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री हम आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें राइट द करस्पोंडिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ये क्वेश्चन मैंने पहले से नोट करके रखा है यहाँ पर तो इसमें ये एक्सपेंडेड फॉर्मेन सब नंबर आर्गमिन इनको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है न्यूमरल में लिखना है तो इसमें लिखने के लिए क्या करेंगे ये देखिए पहले ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इसका सिक्स इंटू वन जीरो 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 फोर जीरो प्लस टू इंटू वन थाउजेंड प्लस फाइव इंटू वन हंड्रेड प्लस एट इंटू टेन प्लस फोर इंटू वन इक्वल टू हमें आंसर फाइंड करना है तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स बन जा सिक्स और फोर जीरो जो हमारी फोर जीरो हमने यहाँ पुट कर दी प्लस टू बन जा टू और यहाँ पर थ्री जीरो पुट कर देंगे प्लस फाइव बन जा फाइव यहाँ पर हम टू जीरो पुट कर देंगे प्लस एट बन एट यहाँ पर वन ज़ीरो पुट कर देंगे प्लस फोर बन जा फोर तो ये आंसर जो होगा हमारा क्या होगा अब इसमें हम जीरोज़ को देखेंगे आप इधर से देखिए बैकवर्ड से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड आप देखें सारी जीरो वन बाय वन इंक्रीज हो रही है कोई भी प्लेस इसमें छूटा हुआ नहीं है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और जब कोई प्लेस छूटा हुआ नहीं हो या इधर से हम देखें तो जीरो वन बाई वन डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली तो इन डिजिट को हम सेम इसी तरह से लिख देते हैं अगर आप ऐड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा तो सिक्स टू फाइव दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट है आपका 5 इंटू वन के आगे फाइव जीरोज है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 बन जा 5 और जीरो कितनी हो जाएंगी ये 5 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 फाइव जीरो पुट कर दिए हमने प्लस 8 बन जा 8 इसके आगे फोर जीरोज हैं तो फोर जीरो हम यहाँ पुट कर देंगे प्लस वन है तो वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे वन दैट इज थ्री जीरोज है यहां पर प्लस ये प्लस कर दिया हमने ऑलरेडी इक्वल टू का था इसके बाद सिक्स वन जाए सिक्स और ये आपकी टू जीरोज हो जाएंगी यहां प्लस टू वन जा टू वन जीरो हो जाएगी दैट इज थ्री वन जा थ्री यहाँ हो जाएगा अब इसमें भी हम देखें तो क्या है कितनी जीरोज है आप देखें यहां वन टू थ्री फोर एंड फाइव जीरो अगर वंस प्लेस की तरफ से देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं यानी कोई भी जीरो मिसिंग नहीं है तो इट मीन्स क्या है इन डिजिट को हम इसी ऑर्डर में लिख देंगे तो ये हमारा आंसर होगा अगर आप इसको ऐड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा तो क्या होगा फाइव एट वन सिक्स टू और थ्री ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा थर्ड पार्ट में टू बन जा टू कितने हैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ सेवन जीरो हमने पुट कर दिए प्लस फाइव बन जा फाइव यहाँ पर आपके फाइव जीरो हैं तो हमने ये फाइव जीरो पुट कर दिए प्लस यहाँ पर सेवन बन जा सेवन यहाँ पर थ्री जीरो हैं तो थ्री जीरो हमने पुट कर दिए प्लस नाइन बन जा नाइन यहाँ पर टू जीरो पुट कर देंगे और फाइव बन जा फाइव देखिए इसको हम क्या करेंगे इसमें जीरो क्या है कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है बीच में से कुछ प्लेस मिसिंग हो रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते हैं तो ये यूनिट प्लेस से फाइव इसके बाद वन जीरो वाला नंबर चाहिए लेकिन वन जीरो वाला कोई नंबर नहीं है तो उसकी जगह पर हमने जीरो पुट कर दिया फिर टू जीरो वाला नाइन है थ्री जीरो वाला आपका सेवन है इसके बाद फोर जीरो का नंबर चाहिए फोर का भी नहीं है तो फोर जीरो वाले के लिए हमने जीरो पुट कर दिया फाइव जीरो के लिए वन टू थ्री फोर फाइव ये है आपका नंबर तो फाइव हो जाएगा सिक्स जीरो के लिए यहाँ पर कितने जीरो थे हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स जीरो के लिए कोई नंबर नहीं है उसके लिए जीरो पुट कर देंगे और सेवन के लिए आपका टू होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये यह आंसर था तो ऊपर ये हो गया नेक्स्ट देखिए आप इसी तरह से ये क्या करेंगे थ्री बन जा थ्री कितने जीरोजे हैं काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ हम सिक्स जीरो पुट करेंगे तो थ्री फोर फाइव सिक्स ये आपके सिक्स जीरो हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस यहाँ पर कितने हैं फाइव जीरोज हैं फोर के बाद तो फोर बन जा फोर और ये फाइव जीरो जाए जाएंगे आपके वन टू थ्री फोर फाइव प्लस सिक्स बन जा सिक्स यहां पर थ्री जीरो हैं तो थ्री जीरो पुट कर देंगे हम प्लस ये प्लस हो गया फाइव बन जा फाइव यहां पर टू जीरो है प्लस सेवन बन जा सेवन अब देखिए इसमें भी क्या है जो जीरो है हमारे वो कंटिन्यूसली अगर यूनिट प्लेस से देखें तो इंक्रीज नहीं हो रहे और इधर से देखें डिक्रीज़ नहीं हो बीच बीच में से कुछ जीरोज़ कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो वो रेगुलर नहीं है रेगुलर ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है तो यूनिट प्लेस की तरफ से हम लिखेंगे पहले सेवन फिर होना चाहिए कोई जीरो नहीं है फिर वन ज़ीरो वाला वन ज़ीरो वाला कोई नंबर नहीं है यहाँ इसलिए उसकी जगह पर जीरो पुट कर देंगे टू जीरो की जगह पर फाइव हो जाएगा थ्री जीरो वाले में सिक्स हो जाएगा फोर जीरो का कोई नंबर नहीं है उसकी जगह पर जीरो पुट कर देंगे फाइव जीरो के लिए फोर है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जीरो जाए तो फोर हो जाएगा सिक्स जीरो के लिए अब यहाँ पर कितने जीरो थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स जीरो है तो इसकी जगह पर थ्री हो जाएगा तो इस तरह से ये नंबर आपका हो जाएगा थ्री फोर जीरो सिक्स फाइव जीरो सेवन ये आंसर हो जाएगा आपका और फर्स्ट आंसर का ये हो गया आपके और इसमें ये क्या है ये हमारे सारे क्वेश्चन जो है अभी जो हमने सॉल्व किए हैं ये आपके एक्सरसाइज है ये इसकी एक्सरसाइज है आपकी ये चैप्टर वन की वन ए इसके क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री आप पिछली वीडियो में देख देख लेंगे और आगे के क्वेश्चन नंबर फोर से आंसर हम आगे आपको आज करा रहे हैं इसके बाद देखिए आप आगे, आगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द ऑफ द टू नाइन्स इन सेवन नाइन फाइव टू जीरो नाइन एट सिक्स ये नंबर गिवन है सेवन नाइन फाइव टू जीरो नाइन एट सिक्स इसमें टू नाइन है एक नाइन आपका ये है और एक नाइन ये है तो इस क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं मैं फाइंड द डिफ्रेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू नाइन्स इन द सेवन नाइन फाइव टू जीरो नाइन एट सिक्स इन दोनों जो की जो नाइन की प्लेस वैल्यू है उनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो देखिए पहले क्या करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट नाइन हम इसमें किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं ये हमारी चॉइस है तो हम यूनिट प्लेस की तरफ से लें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लें तो हम इसको फर्स्ट हैं पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है इधर से लेते हैं नाइन तो देखिए प्लेस वैल्यू के लिए क्या करते हैं जिसकी भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है फिर बता रहा हूँ नाइन जो डिजिट है वो लिखेंगे हम उसके बाद उसके आगे जितनी भी डिजिट है उतने जीरो पुट कर देंगे तो वन टू या टू डिजिट हैं तो हमने टू जीरो पुट कर दी अब सेकंड नाइन हमारा ये है ये नाइन लिखेंगे इसके बाद देखिए नाइन के बाद कितने प्लेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डिजिट है सिक्स प्लेस है तो यहां पर हम सिक्स जीरो पुट कर देंगे थ्री फोर फाइव सिक्स अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है तो देखिए डिफरेंस फाइंड क्या है ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर हमें माइनस करना है यहाँ फर्स्ट चाहे आपका ऊपर ग्रेटर हो या नीचे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ तो ग्रेटर नंबर ये है तो नाइन के आगे कितने जीरो यहाँ सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इसमें से ये हमें माइनस करना है डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसको हम माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा आपका ये बचेगा यहाँ जीरो जीरो अब देखिए यहाँ पर जीरो में क्या करते हैं जब इस तरह से होता है तो ये क्या होगा आपका जीरो जब होते तो लास्ट नंबर जो है ये तो हो जाएगा आपका टेन और ये सारे जितने जीरोज हैं ये सब नाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ से हमने बोरो लिया था तो ये एट हो जाएगा तो इस तरह से जब भी आप सब करें तो इसमें क्या करते हैं बीच में जब जीरो होते हैं लास्ट नंबर में वन ऐड हो जाएगा बीच के जितने भी जीरो हैं वो सब नाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे और लास्ट नंबर वन लेस हो जाएगा तो ये आपका टेन टेन में से वन माइनस करेंगे वो सॉरी नाइन माइनस करेंगे तो वन होगा टेन में से हमने नाइन माइनस किया वन हो गया अब यहाँ पर यह आ जाएगा नाइन 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 एट इस तरह से इनका डिफरेंस आ जाएगा एट नाइन 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 वन जीरो जीरो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव आपको करा दिया है चल, है exercise, चल रही थी हमारी एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन नंबर फाइव अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ सेवन इन टू सेवन सिक्स फाइव जीरो नाइन थ्री फोर तो ये क्या नंबर है हम यहां लिखेंगे इन टू जीरो क्वेश्चन है सिक्स में इन टू सेवन सिक्स फाइव जीरो नाइन थ्री फोर ये नंबर आपको दिया हुआ है टू सेवन सिक्स फाइव जीरो नाइन थ्री फोर इसमें हमें सेवन की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों फाइंड करनी है और उनका डिफरेंस फाइंड करना है तो यहां क्या निकालेंगे सबसे पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन देखिए क्या होगा सेवन लिखेंगे प्लेस वैल्यू जैसा भी हमने बताया था सेवन के बाद जितनी भी डिजिट हैं उतने जीरो पुट कर देते हैं हम तो देखिए कितने प्लेस हैं यहाँ सेवन के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डिजिट हैं सेवन के बाद तो यहाँ सेवन जीरो सेवन के बाद थ्री डिजिट हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ हमने सिक्स जीरो पुट कर दिए इसके बाद फेस वैल्यू लिखनी है इसकी फेस वैल्यू ऑफ सेवन किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है जैसा नंबर वो दिखता है जो उसका फेस है जैसा उसका चेहरा है यानी जो उसकी फिगर बनी हुई है वो उसकी फेस वैल्यू होती है और देखने पर हमें ये लगता है कि देखिए ये सेवन है ये सिक्स है ये फाइव है तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू जो नंबर होता है उसकी वो खुद होती है टू की फेस वैल्यू टू होगी थ्री की थ्री होगी फाइव की फाइव होगी सिक्स की सिक्स होगी सेवन की सेवन होगी तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा सेवन की जो फिक्स फेस वैल्यू है वो आपकी सेवन होगी अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है दोनों का तो देखिए डिफरेंस किस तरह से फाइंड करेंगे हम डिफरेंस में क्या होगा आपका सेवन इसके आगे सिक्स जीरो थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें से हम सेवन माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अब देखिए पीछे मैंने बताया था कि लास्ट नंबर तो हमारा क्या होगा ये टेन आ जाएगा यहाँ पर और ये आपका सिक्स हो जाएगा और बाकी सारे ये नंबर हैं ये नाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे जितने जीरो बीच में आ रहे हैं ये सब नाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा आपका ये सेवन माइनस करना है हमें टेन में से तो टेन में से, तो 10 में से जब सेवन माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ थ्री यहाँ जीरो है नाइन में नाइन है तो नाइन नाइन ये नाइन 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 एंड सिक्स ये हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका सिक्स डबल नाइन डबल नाइन नाइन थ्री सिक्स डबल नाइन डबल नाइन नाइन थ्री ये आपका डिफरेंस आ गया इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सोल्व सिक्स को हमने सॉल्व कर लिया ये आपकी समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है हाउ मैनी सिक्स डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल टोटल सिक्स डिजिट के कितने नंबर होते हैं और देखिए सिक्स डिजिट के नंबर कहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर है उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर है अब आप, आप सोचेंगे कि तो बहुत डिफिकल्ट वर्क है सिक्स तो डिजिट के इतने ज्यादा नंबर हैं उनको पहले हम लिखें फिर लिखने के बाद उनको काउंट करें दैट इज टू मच डिफिकल्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इसको करने के लिए हम ऐसा नहीं करते इसके लिए क्या करते हैं हम करने के लिए सिक्स डिजिट के नंबर फाइंड करने लार्जेस्ट तो नंबर लिखते हैं तो यहां हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट सिक्स डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमें लिखना है और ये क्या होगा किसी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जब हम लिखें तो हम क्या करते हैं उसी डिजिट को नाइन टाइम्स जो नाइन नंबर को उतनी ही बार लिख देते हैं जितनी डिजिट का नंबर लिखना है तो यहाँ क्या करेंगे हम नाइन 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 और नाइन सिक्स टाइम्स लिख दिया हमने यानी ये आपका हो गया सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर इसी तरह से हम फाइव डिजिट का नंबर लिख देंगे यहां लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट आपकी बुक में दूसरा मेथड दिया हुआ है लेकिन यह मेथड उससे ही है तो उसको हूं मैं इसमें हम क्या करेंगे ये आपका फाइव डिजिट का हो गया ठीक है अब हमें क्या लेना है यहां पर क्वेश्चन है हाउ मैनी सिक्स डिजिट नंबर्स तो क्या ले नंबर्स ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स हमको यहां पर क्या लेने है? उसके नंबर लेने हैं नंबर्स ऑफ सिक्स डिजिट नंबर सिक्स डिजिट के कितने नंबर हैं ये हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करेंगे इसके लिए इसको माइनस कर देंगे हमें इसको यहां से आप सब्ट कर दीजिए तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे तो ये जीरो 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 एंड नाइन आप देखिए आपकी बुक में ये आंसर हुआ इत... ये आपके हो जाएंगे तो कितने हो गए वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक यानी नाइन लैख नंबर आपके सिक्स डिजिट के अगर आप सिक्स डिजिट के नंबर लिखेंगे सारे तो आपके नाइन लैख होंगे जिसको आप लिख के कभी भी नहीं पता कर सकते कि किस तरह से तो ये इसका बहुत ही सिंपल मेथड है आपकी बुक में जो दिया हुआ उससे भी ज्यादा सिंपल मेथड ये है अब इसके बाद क्वेश्चन है आगे हाउ मेनी सेवन डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल सेम क्वेश्चन है बिल्कुल लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर सेवन कराया था अब ये एट आ गया एट क्वेश्चन में क्या है हाउ मेनी सेवन डिजिट नंबर जिस तरह सिक्स डिजिट के नंबर थे इसी तरह से अब आपको सेवन डिजिट के नंबर बताने हैं तो इसमें क्या करेंगे सेम उसी तरह से लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेवन डिजिट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ यहां सिक्स डिजिट हो जाएगा या सिक्स का तो फाइव हो गया और सेवन होगा तो सिक्स का हो जाएगा तो देखिए किस तरह से होगा अभी करते हैं हम ये होगा यहां लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेवन डिजिट सेवन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा तो क्या होगा सेवन डिजिट का है तो नाइन हम सेवन टाइम्स यहां लिख देंगे कितना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेवन डिजिट अब इसके बाद क्या करेंगे यहां फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट जिस डिजिट का पूछा है आपसे उस डिजिट के लार्जेस्ट नंबर लिख देंगे और उससे वन लेस यानी सेवन का पूछा है तो सिक्स का फिर ऑल लिख देंगे ये तो ये हो जाएगा सिक्स बार हो जाएगा ये नाइन अब हमें क्या करना है नंबर्स ऑफ सेवन डिजिट लिखने हैं यहां पर तो ये होगा आपका नंबर्स कितने नंबर हैं हमारे सेवन डिजिट के से बल्कि ये लिख सकते हैं ऑल नंबर्स ऑफ सही है ऑल यहां आप लिख दें ऑल नंबर्स ऑफ सेवन डिजिट्स सेवन डिजिट के कितने नंबर हैं ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे देखिए हम इस ग्रेटेस्ट नंबर में से सेवन डिजिट के में से सिक्स डिजिट के नंबर को माइनस कर देंगे जैसे हमने यहाँ किया था तो ये हो जाएगा नाइन 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 एंड नाइन इसमें से नाइन 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 ये माइनस करेंगे तो जीरो 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 एंड नाइन देखिए हमारा ये दैट इज रॉट तो कितने नंबर्स हो गए वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख नाइनटी लैख नंबर हो गए आपके सेवन डिजिट के सेवन डिजिट के नंबर आप लिखने बैठे तो शुरू से जब लिखेंगे तो लास्ट तक जाते आते हैं नाइन्टी लैख होंगे जो कि लिखना ही इंपॉसिबल है बताना लिख के तो हम इस मेथड से किसी भी डिजिट के कितने नंबर हैं टोटल वो हम कर सकते हैं ये नंबर्स ऑफ है तो आप यहां भी इसको ये कर सकते हैं ऑल नंबर ऑफ ऑल नंबर ऑफ सिक्स डिजिट आपका ये तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और एट यहां सॉल्व हो जाते हैं इस वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए रोक स्किप कर रहा हूं रोक रहा हूं जिससे आप चाहें तो स्क्रीन शॉट लेकर ले सकते हैं जिससे आप अपनी नोटबुक में इसे क्वेश्चनों के आंसर नोट डाउन कर लें अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका हाउ मैनी थाउजेंड मेक ए लैक एक लैख में को कितने थाउजेंड्स बनाते वन लेख में कितने थाउजेंड होते हैं तो आपको क्या लिखना है यहां ए लैख इसको क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे ए लेख इसको हम क्या करेंगे आप डिजिट में लिखिए तो क्या लिखेंगे यहां पर वन टेंस हंड्रेड कोमा थाउजेंड टेन थाउजेंड को लेख ये आपका वन लैख हो गया अब देखिए इसमें एक कुछ वन में जब आप वन लैक में तो कितने डिजिट आते हैं आपको पुट करते टू थाउजेंड लिखना है तो भी थ्री जीरो एट थाउजेंड लिखेंगे तो भी ये करेंगे इलेवन थाउजेंड लिखेंगे तो भी आप थ्री जीरो पुट करेंगे यानी थाउजेंड लिखने के लिए आपको थ्री जीरो पुट करने होते हैं तो इसमें भी हम क्या दिखेंगे थ्री जीरो को छोड़ करके यूनिट प्लेस की तरफ से जो नंबर बचेगा वो आपका क्या होगा वो आंसर हो जाएगा तो देखिए ये नंबर अगर हम यहां से स्किप कर दें हटा दें तो कितना बचेगा आपका हंड्रेड तो इसमें क्या होगा हंड्रेड था जो है दैट मेक्स ए वन लैक तो क्या आंसर आ जाएगा इसका ये हो जाएगा हंड्रेड थाउजेंड यानी हंड्रेड थाउजेंड आपके वन लैक फॉर्म करते हैं बस दैट इज द सॉल्यूशन यही सॉल्यूशन है वन लैख लिखा हमने उसको डिजिट्स में लिखा थाउजेंड करने के लिए हमें थ्री जीरो यूज करते हैं तो थ्री जीरो हमने यहाँ अंडरलाइन कर दी और इनको फिर छोड़ दिया तो आपका ये हंड्रेड बचा हंड्रेड थाउजेंड अब आप एक लाख कह दीजिए उसको वन लैख कह दीजिए या हंड्रेड थाउजेंड कह दीजिए दैट इज सेम थिंग इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर टेन है देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या है हाउ मैनी थाउजेंड एक करोड़ इसमें क्या है आपको एक करोड़ लिखना है एक करोड़ इसको मैं कैपिटल से लिखूँ तो ज्यादा बेटर होगा आप यहां भी इसको कैपिटल से लिख सकते हैं ए करोड़ सी आर ओ आर ई अब इसको हम डिजिट में लिखेंगे तो क्या हुआ देखो वन टेन हंड्रेड कोमा थाउजेंड टेन थाउजेंड कोमा लैख टेन लैख फिर वन ये हो गया आपका वन करोड़ अब सेम प्रोसीजर इसमें करना है मैं थाउजेंड में थ्री जीरो होकर इसमें से थ्री जीरो हम कम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका जो थ्री जीरो हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन के आगे कितनी जीरो बचेंगी फोर तो इसका आंसर हो जाएगा वन जीरो 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 और इतने थाउजेंड्स और बर्ड्स में तो वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टन थाउजेंड टेन थाउजेंड थाउजेंड्स यानी वन करोड़ में कितने थाउजेंड्स होंगे टेन थाउजेंड टन थाउजेंड थाउजेंड्स जो होंगे वो वन करोड़ में होंगे इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन है फाइंड द नंबर डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स सेवन थ्री एट एंड ऑप्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स अब देखिए इसमें नंबर क्या दिया हुआ है गिवन नंबर है आपको करना क्या है क्वेश्चन में देखिए ये नंबर आपको गिवन है तो सबसे पहले हम गिवन नंबर लिखते हैं इसमें गिवन नंबर है आपका क्या है गिवन नंबर ये है सेवन थ्री एट सेवन थ्री एट अब क्वेश्चन क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर गिवन नंबर एंड ऑपटेंड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इसके डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उनको डिफरेंस निकालना है तो क्या लिखेंगे नंबर ओपटेंड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट रिवर्सिंग द डिजिट डिजिट को हम रिवर्स करें तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा यह आपको देखना है तो रिवर्स करने का मतलब क्या है इसको बैकवर्ड से लिखेंगे यूनिट प्लेस लिखेंगे फिर ए फ्री ए तो क्या हो जाएगा एट थ्री एट सेवन एट हंड्रेड थर्टी सेवन ऑरिजिनल नंबर था सेवन हंड्रेड थर्टी एट एंड न्यू नंबर विल बी एट हंड्रेड थर्टी सेवन दिस इज ग्रेटर नंबर तो डिफरेंस क्या हो गया इनमें यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंस मैं ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे तो 837 ग्रेटर है और 738 थर्टी स्मॉलर है इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका यहां बोरो करेंगे 17 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 यहां बचेगा 2 यहां से फिर बोरो करेंगे 12 12 में से 3 हुआ 9 99 तो इस क्वेश्चन का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका 99 हुआ होगा अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर नाइन फाइव फोर सेवन ट्रिपल नाइन ये नंबर गिवन है नाइन फाइव फोर सेवन ट्रिपल नाइन इसके जस्ट आफ्टर क्या आएगा तो हम क्या लिखते हैं नंबर जस्ट आफ्टर नाइन फाइव फोर नाइन फाइव फोर सेवन ट्रिपल नाइन तो क्या नंबर के बने हैं आपको नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेवन नाइन ये है आपका नाइन फाइव फोर सेवन नाइन डबल नाइन ठीक तो नंबर क्या हो गया ये हो गया आपका नाइन फाइव फोर सेवन एंड ट्रिपल नाइन इसके जस्ट आफ्टर तो इसमें क्या करते हैं जस्ट आफ्टर नंबर निकालना हो जैसे अब आपका फोर है फोर के जस्ट आफ्टर क्या है फाइव एट के जस्ट आफ्टर क्या है नाइन टू के जस्ट आफ्टर क्या है थ्री तो आप इनको केयरफुली देखें तो क्या होगा अगर इसमें हम प्लस वन कर दें तो आपको ये नंबर मिलेगा इसमें हम प्लस वन कर दें तो फिर आपको ये नंबर मिलता है तो किसी भी नंबर के जस्ट आफ्टर नंबर अगर फाइंड करना है तो उसमें हम प्लस वन कर देते हैं तो इसलिए इसका आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम नाइन फाइव फोर सेवन नाइन 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 इसमें वन हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो कैरी वन जीरो फिर ये टेन हो जाएंगे एट फोर फाइव नाइन ये हो जाएगा नाइन फाइव फोर एट ट्रिपल जीरो ये नंबर आपका इसमें हो जाएगा जो कि आपका जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर होगा तो इस तरह से आपने इस एक्से वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर से लेकर के क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक की है हमने आपको पसंद आए होंगे समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे और आपको इस तरह की वीडियोज आगे भी मिलती रहेंगी ये इस नंबर को भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ जो स्टूडेंट चाहें वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं थैंक यू दैट्स ऑल